हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का ईवीएस 2 लेसन नंबर 2, हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर, लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आपको चैनल पे मिलेगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको चैनल पे फिफ्थ स्टैंडर्ड के ईवीएस 1, ईवीएस 2, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोस मिलेंगे। तो एक बार अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर भी इजीली समझ में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है द कैलेंडर वी यूज टूडे इज बेस्ड ऑन द डैश। तो जो डैश आपको दिया है वहां पे आंसर लिखना है कॉमन ईरा और क्रिश्चियन ईरा, ये आंसर आपको वहां पे लिखना है। सेकंड आपको दिया है द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन ईरा और बिफोर क्रिस्ट। तो ये आंसर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लिखने हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, आंसर ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। आपको यहाँ पे सिर्फ वन सेंटेंस में आंसर लिखने हैं, जिसमें फर्स्ट वन आपको दिया है Which scientific methods are used to estimate the age of the layers of soil and the remains found in them? तो जैसे कि soil की study की जाती है, तो soil में जो layers होती है उनकी study की जाती है, तो वहाँ पे soil के layers की age क्या होगी इसे determine करने के लिए या फिर देखने के लिए क्या किया जाता है, scientific methods को use किया जाता है। जैसे कि हमने lesson में explanation वाला जो video है उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वो methods के नाम लिखने हैं। तो answer क्या आएगा, साइंटिफिक मेथड सच एज कार्बन 14 एनालिसिस, ये एक मेथड है। ट्री रिंग्स एनालिसिस आर यूज टू एस्टिमेट द एज ऑफ द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड द रिमेन्स फाउंड इन देम। तो कोई चीजें अगर सॉइल में मिलते हैं तो रिमेन्स फाउंड इन देम मीन्स रिमेन्स, अगर किसी एनिमल का कोई रिमेन्स मिलता है तो उसको स्टडी करना है कि कितने साल पुराना है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड जो है कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग्स एनालिसिस, इनको स्टडी किया जाता है, इन मेथड्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड वन आपको दिया है हाउ इज द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कॉमन ईरा रिटन। कॉमन ईरा जो फर्स्ट सेंचुरी थी उसे किस तरीके से लिखा जाता है, तो आंसर आएगा द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कॉमन ईरा इज रिटन एज 1 to 100 AD। तो इस तरीके से आपको ये आंसर्स लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। तो फर्स्ट वन आपको दिया है What is mean by the unilinear division of time? तो unilinear division of time क्या होता है वो हमें देखना है। तो देखिए स्टूडेंट, हम टाइम को मेजर करने के लिए जिन यूनिट्स को यूज करते हैं उसे ही हमें यहाँ पे लिखना है। जैसे कैसे, देखिए 7 days makes a week, एक पूरा वीक कैसे बनता है, 7 days से बनता है। 2 weeks make a fortnight and 4 weeks make a month, एक मंथ बनने के लिए 4 weeks जरूरी होते हैं। 2 weeks से क्या बनता है, fortnight बनता है, और 7 days से क्या बनता है, week। तो यहाँ पे हमने टाइम को क्या किया है, कन्वर्ट किया है या फिर डिवाइड किया है। नेक्स्ट है 12 months make a year, तो ऐसे 12 months बन के क्या बनता है, 1 year बनता है। एंड 100 years make a century एंड 10 century make a millennium। दिस मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नोन एज अ यूनिलिनियर डिविजन ऑफ टाइम। तो इसे क्या कहा जाता है, यूनिलिनियर डिविजन ऑफ टाइम। तो जिस तरीके से हम टाइम को डिवाइड करते हैं, जैसे कि डेज में है, वीक में है, मंथ, ईयर, सेंचुरी, इसमें, तो इन सबको क्या कहा जाता है, यूनिलिनियर डिविजन ऑफ टाइम। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड वन आपको दिया है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से यूनिट्स को यूज करते हैं, जैसे देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्लॉक यूज करते हैं, वॉच यूज करते हैं, तो उसमें टाइम हम जो देखते हैं तो वहाँ पे कौन से यूनिट्स को हम यूज करते हैं, जैसे कि सेकेंड से, मिनट से, अवर से। और सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए जो सेकेंड हम यूज करते हैं ये सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है टाइम मेजर करने का। 60 seconds make a minute, एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 seconds होते हैं, मीन 60 seconds से 1 minute बनता है एंड 60 minutes से बनता है पूरा 1 घंटा, 1 hour बनता है 60 minutes से। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे यूनिट्स यूज किए हैं, कौन से, सेकेंड, मिनट, आवर। नेक्स्ट है 24 hours make a day, कि 24 hours अगर होते हैं तो उनको मिला के क्या बनता है, पूरा 1 दिन बनता है। 7 days make a week, 7 दिन मिलके एक पूरा हफ्ता बनता है, एक वीक बनता है। एंड 2 weeks make a fortnight, और 2 weeks बन के क्या होता है, fortnight बनता है। एंड 4 weeks makes a month, एक मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 weeks, मीन्स 4 weeks मिला के कितना बनेगा, 1 month बनेगा। एंड 12 months make a year, 12 महीने मिला के फिर एक पूरा साल बनता है। 100 years make a century and 10 centuries make a millennium। तो देखिए किस तरीके से स्मॉलेस्ट यूनिट से हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था, मीन्स सेकेंड जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आता है सेकेंड, मिनट, आवर, उसके बाद क्या आएगा,
आवर्स के बाद हमने क्या किया कि 24 आवर्स से एक दिन बनेगा, और ऐसे 7 दिन बन के एक वीक बनता है, और फिर 4 वीक का एक मंथ बनेगा, और 12 मंथ से फिर एक ईयर बनता है। इस तरीके से हमने क्या किया, टाइम को मेजर करने के लिए हरेक क्या क्या है, अलग अलग यूनिट्स को यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, कंप्लीट द चार्ट गिवन बिलो। जो चार्ट हमें यहाँ पे दिया है इसको कंप्लीट करना है, तो आपके बुक में यहाँ पे ब्लैंक दिया है, तो वही हमें यहाँ पे आंसर लिखना है कि टाइम इन हिस्ट्री नो रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल। जहाँ पे रिटर्न रिकॉर्ड्स हमें अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड की। जहाँ पे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं तो उसे हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड इस तरीके से लिखना होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे, और एक बार लेसन के एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो जरूर देखिए। उससे क्या होगा कि सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी इजिली समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।